नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। जनपद झांसी के कस्बा बबीना में आज छावनी परिषद बबीना द्वारा मेन रोड पर स्थित मुख्य बाजार पर अतिक्रमण अभियान चलाया, जिसमें फुटपाथ पर बैठे दुकानदारों को हटाया गया। इस दौरान बताया गया कि मेन रोड पर स्थित बाजार में सड़क के दोनों किनारों पर फुटपाथी दुकानदारों की वजह से सड़क पर यातायात अवरुद्ध होता है, जिससे दुर्घटनाओं का डर बना रहता है और पीछे बनी पक्की दुकानों में बैठे दुकानदारों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे दुकानदारों के लिए छावनी परिषद बबीना द्वारा कस्बे में 5 वेंडिंग जोन बनाए गए हैं। छावनी परिषद बबीना द्वारा बनाए गए वेंडिंग जोनों में फुटपाथी दुकानदार अपनी दुकानें नहीं लगाते, बल्कि सड़क के किनारे अतिक्रमण करते हैं, जो परेशानी का सबब बन जाता है। मुख्य बाजार में वाहनों से आने वाले ग्राहक भी अतिक्रमण करते हैं। दुकानों के बाहर अपने चार पहिया और दो पहिया वाहन खड़े करके घंटों तक मार्केटिंग करते रहते हैं। खड़े हुए इन वाहनों से भी बाजार में ग्राहकों और दुकानदारों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फुटपाथी दुकानदारों की जो छावनी परिषद बबीना द्वारा हटाए गए अतिक्रमण के कारण बेरोजगारी की कगार पर पहुंच गए हैं। फुटपाथी दुकानदारों का कहना है कि छावनी परिषद बबीना द्वारा इन दुकानदारों से बहुत अधिक तहबाजारी वसूली जा रही है। जहां पहले 5 से 10 रुपए की पर्ची काटी जाती थी, अब वही पर्ची 30 रुपए से 50 रुपए तक काटी जा रही है, जिसे कटवाने में फुटपाथी दुकानदार असमर्थ हैं। और लॉकडाउन के बाद फिर से शुरू हुए बाजार में किसी तरह फुटपाथी दुकानदारों ने अपना रोजगार शुरू किया ही था कि उन पर छावनी परिषद का चाबुक चल गया और वे फिर से भुखमरी की कगार पर आ गए। छावनी परिषद के पदाधिकारी बाजार में अतिक्रमण हटवा ही रहे थे कि तभी भारतीय जनता पार्टी के कुछ स्थानीय नेताओं के साथ कई दुकानदार एकत्रित होकर छावनी परिषद के खिलाफ नारेबाजी करते हुए थाने पहुंच गए। देखो, ये 50-15 की रसीद काट के 50 रुपए लिखा गया है इस पे। आप ये बताइए कि कैंटोनमेंट के ये सब तानाशाही रवैया बना रहा है गरीब जनता के लिए क्या? जिनको कमाना है 50 रुपए 100 रुपए केले वाले, मूंगफली वाले, सब्जी वाला, उनसे 50-50 100-100 रुपए ले लिया जा रहा है। और इसमें भी कुछ लोगों को बख्शा जा रहा है, वो कैंटो में लिखा जो जनरेटर रखा है सेंट्रल बैंक के सामने, वो किसका है? उसको क्यों लुटाया गया? ये गरीब मजदूरों की रेड़ियों से गरीब सब्जी वाले, फल वाले हैं, उसको क्यों नहीं हटाया गया? क्योंकि वो उनका खुद का एम्प्लॉय का है भाई। पारदर्शिता तो बना रहे, कम से कम भ्रष्टाचार की सीमा लांगी, जनप्रतिनिधि को सुन नहीं रहे। मैं भी व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ, मेरे साथ ही है, परिवार के लोग हैं, बबीना की कस्बे के लोग हैं। अगर इनको अच्छे लोग तो ईंट से ईंट बजा दिया कंटोनमेंट की, चक्का जाम करना पड़ेगा। सर, आपका नाम? मेरा नाम हर्ष है, हर्ष सिंह है। मेरे साथ में श्री पंकज दीक्षित। सर, जो ये अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है, किसके तहत चलाया जा रहा है? ये हमारे मुख्य सचिव भाई श्री सैनी जी के निर्देशन में रोड साइड पर जो लोगों ने अस्थायी तौर पर दुकानें डेली के रख के अतिक्रमण कर लिया है, उनके लिए छावनी परिषद बबीना द्वारा कई जगहों पर वेंडर जोन बनाए गए हैं। उन वेंडिंग जोन में इन लोगों को वहाँ पर व्यवस्थित करने के लिए जगह दी गई है, ताकि रोड पे ये अतिक्रमण ना हो। और त्योहारी सीजन है और कोरोना काल भी चल रहा है, जिसके कारण भीड़ भाड़ होने से संक्रमण फैलने का भी खतरा है। तो इन सबसे बचाव के लिए छावनी परिषद द्वारा ये कदम उठाया गया है, ताकि रोड पर अतिक्रमण ना रहे, भीड़ भाड़ ना हो और सारी दुकानें व्यवस्थित तरीके से वेंडिंग जोन में रहें।
जैसे कि जो रोड पे कुछ दुकानें लगी हुई हैं, तो इनके लिए कोई जगह चिन्हित की गई है क्या? इनके लिए छावनी परिषद द्वारा 5 वेंडिंग जोन चिन्हित किए गए हैं। पहला हमारा बुद्ध बाजार, दूसरा है हमारा कैटल पॉइंट के पास खांजी हाउस के पास, तीसरा हमारा चर्च रोड पर, चौथा हमारा है श्याम वाटिका के पास वाली गली में, और पाँचवा हमारा है ये टेंट स्कूल के बगल में जो गली है पुराने कैंट स्कूल बिल्डिंग के पास, वहाँ पर जगह है उन गलियों में, और इन जगहों पर इन लोगों को वहाँ पर व्यवस्थित करने की जगह दी जाएगी। मेरा नाम मुन्ना खान जी। आज आप थाने आए हो, किस लिए आए हो? हम लोग यहाँ पे आए हैं अपनी बोर्ड की समस्या के चक्कर में। हम लोग पुतपाती हैं और हम लोगों की समस्या सबसे बड़ी ये है कि कंटोनमेंट में हाई टैक्स बढ़ा दिया गया है। जो फुटपाथ पे बैठते हैं किसी से 50 रुपये, किसी से 100 रुपये, जबकि 10-5 रुपये लगती थी, और हम लोग इस देने में असमर्थ हैं। हम लोग रोज़ की इसी तरीके से अपने बच्चों को पालन पोषण करते हैं, इसी से हम लोगों का पालन पोषण चलता है, और इतवार बुधवार हम लोगों के कम से कम इस बमीना बाज़ार के अंदर पूरा बाज़ार बुधवार हाट की वजह से चलता है, और जिसके वजह से कम से कम 5,000 आदमी इससे पलते हैं, और इसकी समस्या इतनी ज़्यादा है कंटोनमेंट के लोगों ने, और वहाँ के मतलब पर्चिए जो 15 रुपये लगते थे उसके 50 रुपये मांग रहे हैं, और उसके बाद कहते हैं जहाँ से दुकान ढाइए वहाँ से दुकान ढाइए, और कोई सुविधा नहीं है। फटा हुआ होता है, बिल्कुल टूटा फूटा फर्श भी पड़ा हुआ है, लेकिन हम लोगों ने कोई शिकायत नहीं की, उसके बावजूद भी हम लोग बैठे। हम लोग ये चाहते हैं कि जो पैसा पुराना लगता था वो पैसा हमसे लिया जाए, और इससे अधिक हम देने में असमर्थ हैं, और सब लोग पुतपाती हैं और परेशान हाल हैं। अभी कोरोना काल के अंदर 6 महीने से बहुत से घरों के अंदर चूल्हे नहीं जले हैं सब, और इतनी समस्या जटिल होने के बावजूद भी टैक्स बढ़ा दिया गया है। कंटोनमेंट के अधिकारियों से, मेंबरों से, सभी से अनुरोध ये है कि जो टैक्स पुराना लगता था वही पैसे वसूल किए जाएं, अन्यथा ऐसा देने में असमर्थ हैं। पब्लिक आखिर इसमें कहाँ जाएगी? जिनकी रोजी रोटी बच्चों का पालना पढ़ाना लिखाना सब इसी में है, इसलिए निवेदन है पूरे प्रशासन से सबसे कि हम लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाए।